हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 9 अप्रैल 2019 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं कुछ क्वेश्चन, फिर देखते हैं आज की हमारी न्यूज। पहला जो क्वेश्चन है वो है स्टेबल बर्निंग को लेके। हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट आपके सामने कह रहा है कि केवल नॉर्थ और नॉर्दर्न ईस्टर्न जो स्टेट हैं वहीं पर ये चीज़ है, मतलब यह स्टेबल बर्निंग का इश्यू है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो स्टेबल बर्निंग होती है इस दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एमिट होती है, जो कि ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों को इफेक्ट है या प्रभावित है वो करती है। अब आपने आंसर इसका सोच लिया होगा। देखो, इसका करेक्ट आंसर है वो है बी। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इसने क्या कह रहा है यहाँ पे, ओनली इन नॉर्थ एंड नॉर्दर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मतलब कि केवल उत्तरी और उत्तरी पूर्वी स्टेट के अंदर ही ये प्रॉब्लम या ये इशू है वो देखने को मिलता है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। बाकी अदर स्टेट हैं इंडिया के साउथ ईस्ट में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बट जो बड़ा इशू है वो मेनली नॉर्थ ईस्ट या दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में हमें देखने को मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नीला कुरंजी को लेके है। पहला स्टेटमेंट और दोनों स्टेटमेंट आपके सामने, एक बार आप आंसर हो सोच लीजिए, फिर हम इसके जो सही आंसर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह एक सरब यानी एक झाड़ी की एक तरह ये प्रजाति है, जो कि इंडेमिक है सोला फॉरेस्ट में, जो कि वेस्टर्न घाट में है साउथ इंडिया में। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि नीला कुरंजी बुलोम है वो 12 साल में एक बार होता है, और फिर जो मतलब पौधे की डेथ हो जाती है और फिर वापस दोबारा फूल आते हैं, तो 12 साल बाद सिस्टम या दोबारा साल बाद दोबारा पौधा प्रोड्यूस होता है। देखो, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपने देख लिया होगा कि सही है या गलत है, और एक्चुअली पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि यह एक ट्रॉपिकल प्लांट स्पीसीज है जो कि इंडेमिक है वेस्टर्न घाट में। देखो, बात ऐसी है कि इंडेमिक है, हाँ बिल्कुल एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इंडिया के लिए इंडेमिक है, बट अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, जो नीला कुरंजी प्लांट है वो अकेले इंडिया में नहीं है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाया जाता है, इसलिए इंडेमिक की बात यहाँ पे सही फिट नहीं बैठती। इंडेमिक तो वो होता ना कि केवल ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में केवल इंडिया में ही पाया जा रहा होता। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है और सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मनरेगा को लेके, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें देखो तीन स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इस स्कीम में सोशल ऑडिट है वो की जाती है ग्राम सभा के द्वारा 6 महीनों में एक बार, कम से कम 6 महीनों में एक बार मतलब। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 1/3 जो बेनिफिशियरी या 1/3 जो लाभार्थी हैं इस स्कीम के वो वुमेन होनी चाहिए। और थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है स्कीम है, या ये उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है। देखो, यहाँ पे हम बात करें तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट है ना वो बिल्कुल सही हैं। 6 महीनों में एक बार ग्राम सभा के द्वारा ऑडिट कंपलसरी है, इसके साथ ही जो 1/3 बेनिफिशियरी हैं वो इसकी वुमेन होनी चाहिए, और इसी के साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा यह प्रोग्राम है या स्टार्ट है वो किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3, तीनों के तीनों सही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेके हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक्चुअली लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करवाने के लिए किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लोन के रूप में दी है, एक फंड बनाया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है ना, AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, वो सेबी की गाइडलाइन या सेबी की ज्यूरिडिक्शन में आता है। देखो, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है ना वो बिल्कुल करेक्ट हैं। इसका आंसर होगा बी, सॉरी सी। सेकंड और फर्स्ट दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें, इसी के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लोन प्रोवाइड करने के लिए लॉन्ग टर्म ये स्पेशली फोकस करना है। यूपीएससी यहाँ पे दे सकते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइड करने के, नहीं भाई, लॉन्ग टर्म कैपिटल मतलब लंबा लोन, 10 साल 15 साल इस तरीके के लंबे लोन के लिए हेल्प है वो करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पार्टनर्स फॉर्म है रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है, किससे रिलेटेड है? देखो, इसका आंसर है ना वो होगा, आपने सोच लिया होगा क्या होगा, एक बार आप सोच लीजिए, सोच लिया होगा आई होप आपने इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी, ग्लोबल, जो जो पार्टनर्स फॉर्म है ना वो एक ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है, जो कि चाइल्ड एंड जो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है इसको कम करने के लिए, इसके साथ ही इम्प्रूवमेंट जो एडोलसेंट है इसको, इसके साथ ही चाइल्ड और न्यू बॉर्न जो मेटरनल रेट है इन सबको इम्प्रूव करने के लिए फोकस है वो करेगी। अब देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। पहला जो आर्टिकल आया है वो आया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेके।
देखो कंटेक्स्ट ये है कि अभी एक रिसेंटली एक सर्वे किया गया है, और इस सर्वे में एक आश्चर्यजनक बात ये सामने आई है कि भाई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों को कनेक्शन प्रोवाइड करवाए गए ना, गैस के फ्री कनेक्शन, वो लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्शन तो उन्होंने ले लिया है, बट फिर भी वो जो नेचुरल तरीके हैं या फिर हम बोलें कि लकड़ी है, उपले हैं, इनकी हेल्प से खाना बना रहे हैं। मतलब कनेक्शन घर में लगा हुआ है बट फिर भी उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से बिहेवियर चेंज की बात यहाँ पे सामने को देखने को मिल रही है कि लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं हुआ है, वो अपने जो परंपरागत नेचुरल सोर्सेज हैं इनसे खाना बना रहे हैं, ना कि गैस वगैरह से। ये बात सामने देखने को मिली है। इसके बाद में ये बात आई है कि देखो 5 ऐसे स्टेट दिया गया है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी या सबसे ज़्यादा लाभार्थी मिले हैं उज्ज्वला स्कीम के। पहला है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गैस कनेक्शन प्रोवाइड करवाए गए हैं, इसके बाद में वेस्ट बंगाल, तीसरा बिहार, चौथा मध्य प्रदेश और पाँचवा राजस्थान। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है, यह देखो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो मिनिस्ट्री है इसकी स्कीम है। वैसे तो इस मिनिस्ट्री की स्कीम बहुत कम ही होती है, तो यही स्कीम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यूपीएससी इनके बारे में पूछ सकती है कि सबसे ज़्यादा लाभार्थी कौन से स्टेट में, तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में, फिर वेस्ट बंगाल में है। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट। देखो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ना, इसका मोटो ये था कि हमारे देश में जो गरीब परिवार हैं वहाँ पे खाना बनाने के दौरान महिलाएं क्या करती हैं, जैसे कि लकड़ी है या फिर उपले हैं गोबर के, इन सबसे खाना बनाती हैं। तो क्या होता है कि जो धुआं प्रोड्यूस होता है वो कहीं ना कहीं वुमेन हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है। और आपको पता है कि रूरल एरिया में जो गरीब परिवार की महिलाएं होती हैं वो हेल्थ की ज़्यादा देखभाल भी नहीं कर पाती, और इसीलिए प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा और भी सीरियस हो जाती है। तो उन सबको एम्पावर करने के लिए, वुमेन की हेल्थ को फोकस करने के लिए ही बेसिकली उज्ज्वला स्कीम है या उज्ज्वला योजना है वो लाई गई थी। इसमें लोगों को फ्री गैस कनेक्शन हैं वो प्रोवाइड करवाए गए थे, इसी के साथ कुछ लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस या सपोर्ट भी दिया गया है। देखो वैसे तो 2011 में सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया गया था, उसका जो डाटा है वो वैसे तो रिलीज नहीं किया गया, बट गवर्नमेंट उस डाटा को यूज़ है वो मेनली स्कीम वगैरह को या फिर कोई ऐसी योजना ही है उसको इम्प्लीमेंट करने में यूज़ है वो लेती हैं। आप ये बताइए कि जो सोशल सॉरी जो सोशल एंड कास्ट सेंसस जो किया गया था 2011 में, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था? और नॉर्मली जो जनगणना होती है हर 10 साल में, वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा की जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखना कि यूपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है। तो आप बताना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कि जो सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की गई थी 2011 में वो कौन सी मिनिस्ट्री की थी, और इसी के साथ ही जो नॉर्मल जनगणना होती है हर 10 साल में, जैसे कि 2001 में हुई, 2011 में, अब 2021 में होगी, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत होती है। दोनों अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, तो आप इसके बारे में आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे आपको इसका जो आंसर है वो टेलीग्राम के पेज पे है, वहाँ पे मिल जाएगा। देखो जो 2011 का सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था ना, इसके आधार पे गरीब लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और फिर उनको गैस कनेक्शन दिया गया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है, मतलब पैसे दिए गए हैं 1600 रुपये पर कनेक्शन के आधार से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उनको गैस कनेक्शन मुहैया करवाया गया है। ये आपको ध्यान में रखनी है, वुमेन के नाम पर बेसिकली कनेक्शन है वो रखा गया है। मिनिस्ट्री मैंने आपको बताई, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है उसकी यह स्कीम है। देखो इस स्कीम के अगर की पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ी बात होती है एक तो एम्पावरिंग वुमेन, इसके साथ ही वुमेन हेल्थ को भी कंसिडर किया गया है, और जो इंडोर एयर पोल्यूशन से जो डेथ होती है हमारे देश में उनको कम करने में भी काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन इस स्कीम का रहेगा। तो ये इस स्कीम के कुछ फैक्ट थे जिन्हें हम यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है पेरियार रिवर को लेके। देखो कंटेक्स्ट बेसिकली आया है कि पेरियार रिवर है ना, इसके पानी का रंग काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा था काला, मतलब इससे काफ़ी गंदा पानी होता जा रहा था, इसकी वजह से यहाँ पे मछलियों की काफ़ी तेज़ी से डेथ होती जा रही है, मतलब मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा मर रही हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो पेरियार रिवर। देखो पेरियार रिवर है ना, यह केरल की मेन इंपॉर्टेंट रिवर है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि तमिलनाडु से ये ओरिजिन होती है और फिर अरब सागर में गिरती है, जैसे कि ये हो गया हमारा साउथर्न भाग, तो यहाँ यह हिस्सा तमिलनाडु का, फिर इधर है केरला, फिर यहाँ पे है कर्नाटका, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तेलंगाना, इस तरीके से। तो ये बेसिकली तमिलनाडु से ओरिजिन होती है और फिर इस अरब सागर में जाके गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली इंपॉर्टेंट नदियों में इसका नाम है पेरियार रिवर का, और ये बेसिकली केरल की मेन इंपॉर्टेंट रिवर है। केरल की तरह से लाइफ लाइन भी इसे हम बोल सकते हैं। मेजर जो पानी की प्रोवाइड किया जाता है टाउन में, या हम बोल सकते हैं केरल के जो इंपॉर्टेंट टाउन है, कस्बे हैं, वहाँ पे इस रिवर के द्वारा ड्रिंकिंग पानी है वो प्रोवाइड कराया जाता है। और अगर इस कंडीशन में इस रिवर का पानी गंदा या जहरीला हो जाता है तो लोगों को पानी की क्राइसिस देख सामने झेलने पड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं केरला की इकोनॉमी में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है वो देखने को मिलता है। ये तो हमने कंटेक्स्ट और जो इसकी न्यूज़ थी वो डिस्कस कर ली। बाकी दिया गया कि लेंथ है वो तो रटनी नहीं है, बस पता होना चाहिए कि हाँ भाई केरल की इंपॉर्टेंट रिवर है, तमिलनाडु से ओरिजिन होती है, गिरती कहाँ पे है, अरब सागर में।
एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इस पे एक इडुकी डैम बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि केरला में बनाया गया है। इडुकी डैम है वो केरला में बनाया गया है पेरियार रिवर पे। तो यूपीएससी इस डैम के बारे में इनडायरेक्टली क्वेश्चन है वो पूछ सकती है। देखो हुआ क्या था, बेसिकली कुछ रिसर्च के द्वारा ये बताया गया है कि भाई जो पानी जहरीला ना वो इसलिए हुआ है क्योंकि पानी में यूट्रोफिकेशन हो गया है। अब आपके दिमाग में होगा भाई यूट्रोफिकेशन क्या होता है। देखो यूट्रोफिकेशन का मतलब, देखो यूट्रोफिकेशन में होता क्या है कि जो पानी के अंदर जो मिनरल्स वगैरह होते हैं ना पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए, वो बढ़ जाते हैं। उस कंडीशन में होता क्या है कि जो पेड़ पौधों की ग्रोथ है पानी में वो ज़्यादा होने लगती है। अगर आपको पता है कि पेड़ पौधों की ग्रोथ पानी में ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या होगा कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा, जैसे कि मान लो ये एक तालाब है, इसमें पानी भरा हुआ है यहाँ पे, और इसके चारों तरफ पेड़ पौधे खूब उग रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ, तो होगा क्या, जो नीचे वाला एरिया है इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो होगा क्या, नीचे के जो जीव जंतु है, नीचे का जो जलीय सिस्टम है ना, वो सारा बिगड़ जाएगा। मतलब यहाँ पे जीव जंतुओं की डेथ होने लग जाती है, और वही कंडीशन अभी पेरियार रिवर में देखने को मिली है। तो यूट्रोफिकेशन के बारे में यूपीएससी कई बार पूछा भी है, तो हमें ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ड्रग इम्यून फंगल इन्फेक्शन को लेके। देखो वैसे तो जो ये फंगल है ना, ये काफ़ी कंट्रीज में देखा गया है, तो यूपीएससी वैसे तो इस पर ज़्यादा क्वेश्चन कुछ इतना इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। बस एक जो फंगस है, कवक है, जिसका नाम है यहाँ पे कैंडिडा ओरिसिस, इसकी वजह से बेसिकली ये फैलना, मतलब फैलने देखा गया है। और होता क्या है, जिन लोगों का जो इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है ना, उनको यह फंगल इन्फेक्शन प्रभावित करता है ये मेनली, और जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन है वो नॉर्मली फैलता है। तो अभी तक इसकी जो पहचान है वो इंडिया में भी की गई है, पाकिस्तान में, दक्षिणी अफ्रीका में, स्पेन में, ब्रिटेन में, तो ये तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। अभी यूएसए में भी इसके बारे में न्यूज़ है वो देखने को मिली है। होता क्या है, इसमें बुखार होती है, फीवर हो जाता है, बॉडी में पेन होता है, काफ़ी थकान फील होती है, और काफ़ी लोगों की इसमें डेथ भी हो जाती है। तो बस ये छोटी सी न्यूज़ थी जिन्हें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कंगला टोंगबी के बारे में, बैटल ऑफ कंगला टोंगबी। देखो बैटल ऑफ कंगला टोंगली है क्या, टोंगबी सॉरी, यह एक्चुअली वर्ल्ड वॉर सेकेंड की एक इंपॉर्टेंट लड़ाई है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हुआ क्या था, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी, तो उसकी एक अहम लड़ाई है जिसका नाम है कंगला टोंगबी। इसमें हुआ क्या था, जापान की जो आर्मी थी ना वो एक्चुअली इंडिया के मणिपुर और जो मणिपुर के आस वाले एरिया पे कब्जा करने के लिए उन्होंने लड़ाई है वो की थी, और उस दौरान जो वार हुआ था इसका नाम है कंगला टोंगबी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो वहाँ की जो ऑर्डिनेंस पर्सनल थे, जो आर डिपो था, उन लोगों ने लड़ी थी जापान फोर्स के खिलाफ 1944 में, 6 से 7 अप्रैल के बीच में। तो अभी ये 7 अप्रैल को न्यूज़ में आया था, तो हम इसे आज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो यूपीएससी पूछ सकते हैं कि किसके खिलाफ कौन सी लड़ाई थी, तो पता होना चाहिए थोड़ा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ग्लोबल कूलिंग कोएलेशन को लेके। देखो नाम से तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ग्लोबल कूलिंग कोएलेशन, मतलब जो कूलिंग का मतलब तो आपको पता है ठंडा करना है, शीतलन, कोएलेशन का मतलब आपस में ग्रुप है वो टाइप का बनाया जा रहा है, लोग कोएल या जो कंट्रीज हैं वो ग्रुप में शामिल हो रही हैं। देखो अभी बेसिकली जो किगाली एग्रीमेंट हुआ था 2016 में, इसके बाद में पेरिस एग्रीमेंट की भी काफ़ी सारी बातें हुई थी, तो उसमें कूलिंग कोएलेशन पे फोकस किया जा रहा है। मतलब कि सभी कंट्रीज ये फोकस कर रही हैं कि भैया हमें ऐसी मैकेनिज्म लेके आएं, एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आएं जिससे कि जो कूलिंग सिस्टम है ऑल ओवर वर्ल्ड का वो भी प्रभावित ना हो, और जो ग्लोबल वार्मिंग है फिर और इश्यूज हैं इनसे भी निपटा जा सके। तो इसके लिए यूएन के द्वारा भी ये कोएलेशन है वो सपोर्टेड है। इसके साथ ही क्लाइमेट एंड जो क्लीन एयर कोएलेशन है, किगाली कूलिंग एफिशिएंसी प्रोग्राम है, ये आपको ध्यान में रखना है, यूएन द्वारा सपोर्टेड है। तो यूपीएससी एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किगाली अमेंडमेंट। क्या है किगाली अमेंडमेंट, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस है वो करते हैं। देखो सबसे पहले आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, आपको ध्यान होगा कि भाई ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, तो इसको हमें कहीं ना कहीं रोकना है कि ये ज़्यादा नुकसान करेगी, अगर ये डिप्लीट या ख़त्म हो जाएगी तो जो यूवी रेज हैं सन से वो डायरेक्टली अर्थ पे आएंगे, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना हमें करने पड़ेगा। इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, और इसमें ये बात की गई कि भाई जो CFC या फिर जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे खतरनाक गैसें हैं ना, इनको हम एमिट कम से कम करें, और इनको एक तरह से बंद ही कर दें ऑलमोस्ट, और नई टेक्नोलॉजी लेके आएं ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग या हम बोल सके ओजोन, मेनली ये फोकस किया गया था ओजोन लेयर पे कि भाई जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, इसको रोका जा सके। इसके बाद में क्या हुआ था, 2016 में किगाली एग्रीमेंट हुआ है, जिसे किगाली अमेंडमेंट के नाम से भी जानते हैं।
देखो जो मॉनिटर प्रोटोकॉल हुआ था ना, इसकी हर साल या कभी कभी को फिक्स नहीं होता, कभी कभी मीटिंग होती थी टाइम टू टाइम, कई बार जल्दी हो जाती थी, कई बार साल में एक बार, कई बार 2 साल में भी एक बार, इस तरीके से मीटिंग होती रहती थी। तो 2016 में जो मीटिंग हुई थी ना, वो हुई थी किगाली। किगाली बेसिकली रवांडा की कंट्री है, सॉरी रवांडा जो अफ्रीका की कंट्री है उसकी कैपिटल है, वहाँ पे मीटिंग है वो हुई थी। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें इस बात पे फोकस किया गया था कि भाई जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है ना, जो CFC या फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, इसके अलावा हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसके ऊपर भी फोकस करें। ये आपको ध्यान में रखना कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ना, ये बेसिकली ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करती है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, GHG। ग्रीन हाउस गैस आपको पता है कौन सी होती है? तो ये ग्रीन हाउस गैस है जो कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के लिए काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए किगाली अमेंडमेंट में, किगाली एग्रीमेंट में इस बात पे फोकस किया गया था कि भाई धीरे धीरे हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसको भी कट करेंगे, इसका यूज है वो, और इसका कंजप्शन और प्रोडक्शन वो हमें कम करना है, वो एक सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में कर दें कि हाँ भाई आज हमने एग्रीमेंट कर लिया तो कल से गैस का यूज करना बंद हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो गैस है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, CFC वगैरह, ये गैसें नॉर्मली रेफ्रिजरेटर हुआ या फिर जो कूलेंट वगैरह हुई इनमें यूज है वो की जाती है। तो UPSC एक तो ये पूछ सकती है कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है वो एक ओजोन डिप्लेट गैस है। नहीं भाई, ये ओजोन डिप्लेटिंग गैस नहीं है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए इसको बंद करने की, खत्म करने की बात है वो की गई थी। ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं CFC हो गया, ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो ये अलग अलग छोटी छोटी गैसें हमें देखने को मिलेंगी। इसके बाद में इसमें एक फोकस ये क्या गया कि भाई 1 जनवरी 2019 से किगाली एग्रीमेंट है वो ऑफिशियली एक्टिव हो जाएगा और यह बाइंडिंग होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि 1 जनवरी 2019 के बाद किगाली एग्रीमेंट है या अमेंडमेंट है वो लीगली बाइंडिंग है। जिन भी कंट्री ने इसको रेक्टिफाई किया वो लीगली बाइंडिंग हो जाएगा 2019 के बाद। तो UPSC इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकती है। टारगेट ये रखा गया है कि भाई 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रखा जाए, जबकि उम्मीद की जा रही है कि भाई 21वीं सेंचुरी के एंड तक है, सॉरी 22वीं सेंचुरी जब होगी उस दौरान लगभग टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। तो उसको कम करने की बात की गई है, भाई 1.5 डिग्री तक ही हम रुक जाए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें झेलने को मिलेगी। अब देखो जो किगाली अमेंडमेंट है ना, इसमें जो कंट्रीज है ना, इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है ग्रुप 1 कंट्री, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ग्रुप 1 में वो कंट्री रखी गई है जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और जो मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि US, UK, यूरोपियन यूनियन जैसी, इनको यह टारगेट दिया गया है कि भाई आप 2019 से ही जो ये है ना हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, इसको आप, इसका कंजप्शन और इसका यूज आप धीरे धीरे जल्दी से खत्म करोगे, मतलब बहुत कम करना है आपको। वो टारगेट ये रखा गया है कि 2012 के लेवल से देखा जाए तो 2036 तक 15% रिड्यूस करनी है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का कंजप्शन। और जो ग्रुप 2 की कंट्रीज हैं वो थोड़ी ठीक ठाक है, मतलब जिनकी इकोनॉमी ठीक ठाक है, जैसे कि चाइना हुआ, ब्राजील हुआ और कुछ साउथ अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, इनको ये टारगेट दिया गया है कि भाई आप 2024 की कंपेरिजन में 20% गैस कम करोगे 2045 तक, ये टारगेट इनको दिया गया है। और ग्रुप 3 की कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया हुआ, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, इनको ये कहा टारगेट दिया गया है कि भी आप 2028 तक 15% कम करना है आपको 2024-26 के लेवल के मुताबिक, ये कुछ टारगेट दिए गए हैं। तो ये कुछ फैक्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि किगाली अमेंडमेंट को लेकर UPSC यहाँ पे पूछ सकती है, काफी न्यूज में भी रहे हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज, किगाली एग्रीमेंट, अमेंडमेंट। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, आज का डिस्कशन काफी लंबी होगी बट आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट थे जिन्हें यहाँ पे कवर किया है। तो फिलहाल इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।